गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और इसके परिणाम 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव परिणाम के साथ आएंगे। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी का मजबूत जो गढ़ है वो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और कैसे कांग्रेस के हाथों से बीजेपी ने गुजरात छीन लिया। गुजरात चुनाव में कांग्रेस कहाँ है, कहीं फिर टू लिटिल टू लेट तो नहीं हो जाएगी पार्टी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए पहले चरण की वोटिंग के बारे में कुछ जरूरी बातें। पहले चरण के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। शुक्रवार से प्रदेश में चुनाव प्रचार का घमासान शुरू हो गया है। भाजपा ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मतदाताओं के समीकरण के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों के प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। पहले चरण की 89 सीटों में से 82 पर शुक्रवार को केंद्रीय और प्रदेश के नेता एक साथ प्रचार और रोड शो के लिए उतरेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुजरात में प्रचार के लिए अलग अलग टास्क के साथ में निकल चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मांडविया और रूपाला को पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र में प्रचार की कमान सौंपी गई है। भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन की 56 सीटों पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के सांसद समेत 15 नेता प्रचार और सभा को संबोधित करेंगे, जबकि 36 सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद और संगठन के पदाधिकारी समेत 14 नेता प्रचार करेंगे, ने जो लोकल नेता है वो। अब बात कर लेते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस कहाँ, क्या उसकी रणनीति है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जहाँ पिछले 27 साल से बीजेपी का मजबूत गढ़ है। लेकिन कभी महात्मा गांधी के कारण ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि गांधी जी गुजरात के ही रहने वाले थे। हालांकि वर्तमान चुनाव प्रचार में देश की सबसे पुरानी पार्टी तस्वीर से काफ़ी हद तक गायब दिख रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान कांग्रेस से कहीं ज़्यादा दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता को अपना वोट बर्बाद नहीं करने का आग्रह किया है और दावा किया है कि कांग्रेस पूरी तरह से ढह गई है। जहां एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में भारी भरकम प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस इस तड़क भड़क से दूर वोटर्स से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि बीजेपी ने पिछले 27 सालों में काफ़ी संपत्ति अर्जित की है, उनके मुकाबले में हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए इतना बजट नहीं है, हमने विज्ञापनों पर पैसा बर्बाद नहीं किया है, बल्कि इसके बजाय मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस ने बूथ स्तर के प्रबंधन से लेकर डोर टू डोर अभियान के साथ ही बुनियादी बातों को लेकर चलने का फैसला किया है। जमीन पर पार्टी का संदेश 2 अभियानों के आसपास केंद्रित है, जिसमें कांग्रेस का काम बोलता है और कांग्रेस के 8 वादे शामिल हैं। वहीं गुजरात में कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं कि हम करीब 27 साल से गुजरात में सरकार से बाहर, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम युवा और नए मतदाताओं को पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए कामों के बारे में बताएं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस का दूसरा अभियान राहुल गांधी द्वारा राज्य के मतदाताओं से किए गए वादों की सूची है। इनमें गैस सिलेंडर की कीमत में कमी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, किसानों की कर्ज माफी, 3000 इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल, दूध उत्पादों पर सब्सिडी, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी भत्ता के तहत युवाओं को 30,000 रुपए देना जैसी बातें शामिल है। इस सबके बीच में जैसा हमने आपको बताया कि एक दौर था जबकि ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात ही, देश भर में तमाम जगहों पर कांग्रेस ही एक पार्टी हुआ करती थी। धीरे धीरे अन्य पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ और आज़ादी के बाद से जो राजनीति चली वो तो कांग्रेस के इर्द गिर्द थी, लेकिन फिर जनता पार्टी का प्रादुर्भाव होना, जनता दल का प्रादुर्भाव होना, फिर इन दलों के भी छोटे छोटे टुकड़े होना, कांग्रेस से टूट कर बहुत सारे दल बन जाना, आज जितने आप दल देखते हैं उनमें ज़्यादातर सब कांग्रेस से टूट कर निकले हैं। तो अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई है क्षत्रपों की ताकत बढ़ गई है। शरद पवार भी इस बात को कह चुके हैं कि देश की राजनीति में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है और ऐसे में कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते दिनों के साथ में कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत हुई कांग्रेस कमजोर हुई है, छोटे छोटे दलों का प्रादुर्भाव हुआ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी, वहीं शरद पवार जो है, ऐसे बहुत सारे केसी आ रहे हैं, दक्षिण की राजनीति में बहुत सारे दल हैं। कुल मिलाकर देखा गया है कि अब राजनीति बहुत क्षत्रपों में बढ़ चुकी है। आपको याद होगा कि पटना में जेपी नड्डा एक कार्यक्रम के दौरान कह चुके हैं कि ये छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी विचारधारा की पार्टी सिर्फ वही रहेगी, तो अब बीजेपी ही बचेगी, ये बात कहते हैं। लेकिन ये भी बात सही है जैसा शरद पवार का कहना है कि यदि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कोई केंद्रीय दल दिखाई देता है, कोई बड़ा दल दिखाई देता है, तो कांग्रेस है, पूरे देश में उनके कार्यकर्ता हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में यही प्रयास है कि उस पुरानी खोई हुई ताकत को पाया जाए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा गुजरात में ही है। गुजरात जहाँ किसी जमाने में
कांग्रेस की भी ताकत हुआ करती थी। क्या अपनी खोई हुई ताकत को कांग्रेस गुजरात में वापस पा पाएगी या आम आदमी पार्टी उनका सपना इस बार भी चकनाचूर कर देंगे? बीजेपी को क्या पहले से ज़्यादा फायदा हो जाएगा? पिछले चुनाव में बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, 99 सीटें ही आ पाई थी, लेकिन इस बार क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और ओवैसी भी उतर आए हैं, मुस्लिम सीटों को प्रभावित करेंगे, तो क्या ऐसे में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिलेगी? कई सवाल हैं जो अब गुजरात चुनाव के सामने के दौरान सामने आ रहे हैं। लेकिन एक दौर वो भी था जब कांग्रेस का दबदबा भी गुजरात में हुआ करता था, लेकिन लंबे समय से अब बीजेपी पूरी तरह से गुजरात में काबिज है और पसंद भी बहुत किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी बहुत जबरदस्त है, उन्होंने इस लोकप्रियता को बरकरार भी रखा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।